Hello, dear aspirants. I, Nikhat Parvin Khan, welcome you all to Competition Commentaries YouTube channel. संग्राम सीरीज के पॉलिटी के आज के वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे. जिन लोग ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं. लास्ट क्लास में हमने जो ये संग्राम सीरीज का जो लेक्चर वन था मेरा इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके अलावा प्रीएम्बल, संविधान की विशेषता और संविधान का विकास, इन टॉपिक्स के ऊपर क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, लेखन शैली कैसी होनी चाहिए और कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये कुछ चीजें मैंने बताने की कोशिश की थी. उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम आगे के जो दो तीन टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका एंड जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका. आप सभी जानते हैं कि प्रशासन की ये तीनों स्तंभ माने जाते हैं. दीज आर नोन एज द थ्री पिलर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. जिसके बगैर जो प्रशासन होता है देश का वो नामुमकिन माना जाता है. तो ये तीनों ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. इन तीनों में जब मैंने ओरिएंटेशन क्लास ली थी तो आपको बताया ही था कि मेंस के लिहाज से एग्जीक्यूटिव सबसे इम्पोर्टेंट है. मेंस में सबसे ज़्यादा जो बार क्वेश्चंस आए हैं वो इन तीनों टॉपिक में तुलनात्मक रूप से एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा आए हैं. सेकंड में फिर आपका जुडिशियरी है और थर्ड में विधायिका, इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो. ठीक है, क्यों? वजह यह है कि जुडिशियरी जो है इस टॉपिक में आपके मेंस में दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और आपका न्यायिक पुनरावलोकन. ये यूजुअली आप प्रीलिम्स में उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, वो मेंस के टॉपिक है तो वहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, हालांकि अभी बहुत बने नहीं है. ठीक है, लेकिन हाँ, जुडिशियरी में इन तीन सेक्शंस के जुड़ने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद एग्जीक्यूटिव, सभी जानते हैं कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ तो मैं सेंटर एग्जीक्यूटिव की बात भी कर रही हूँ और स्टेट के भी, और इसका मतलब हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक, इन सभी के ऊपर जो कुछ पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं. और आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में भी ये सारे सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे आपका मंत्रिपरिषद हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. मेंस में भी बनते हैं, मेंस में अच्छे खासे बनते हैं. मौलिक अधिकार और कार्यपालिका, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे पिछले 5 साल में कि आए हुए हैं. ठीक, विधायिका जो सेकंड वाला टॉपिक है, इसमें जाहिर सी बात है कौन कौन सा टॉपिक आएगा, संसद आएगा एक और राज्य विधानमंडल. तो संसद और विधानमंडल इसमें आते हैं, ये प्रीलिम्स में बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं. क्वेश्चंस की संख्या कम आई हुई है. ठीक है, 5 साल पहले तो भी आती थी, अभी इन 5 सालों में इनके जो वेटेजेस हैं ये लेजिस्लेटिव वाले सेक्शंस के वो थोड़े कम हैं. ठीक, ओके, तो ये मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है. कुछ भी नया नहीं है, सिवाय जो आपका जुडिशियरी में मैंने आपको तीन टॉपिक बताई, उसमें जो जनहित याचिका है यानी कि आपका PIL, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी कि आपका न्यायिक सक्रियता, सॉरी, और जो है आपका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये दो तीन ऐसे टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल है, एक्स्ट्रा पढ़ने आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते. बाकी शेष 99% ऑफ द सिलेबस जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप प्री में पढ़ चुके हो. तो जो मैं आपको डे वन से बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत ना करें, जो पढ़े उसे लिखने की कोशिश करें. तो इनसे एक मिक्स बैग के तौर पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके कैसे प्रोबेबल आंसर्स होंगे, उनको हम देखते हैं. लेट अस फर्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन. जैसे मान के चलिए एग्जीक्यूटिव से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य का वर्णन करिए. तो ये एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, कोई मंत्री हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनके क्वालिफिकेशंस आपसे पूछ सकता है, उनके पावर्स आपसे पूछ सकता है, उनके फंक्शंस आपसे पूछ सकता है. ये दोनों तीनों चीजें आप अक्सर 2 या 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या क्या कहा मैंने, एक तो आपका क्वालिफिकेशन पूछ सकता है यानी अर्हताएं, उसका आपका वर्क पावर फंक्शन पूछ सकता है
ये दो चार मार्क्स में आप हमेशा उम्मीद कर सकते हैं और इन सब में आपके पास पॉइंट्स रहते हैं भाई, तो बिल्कुल आप पॉइंट्स में इस आंसर्स को लिखें। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, क्योंकि दो मार्क्स का है तो दो मैंने लिख दिए, आप चाहें तो चार भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके पॉइंट कितने बड़े हैं। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ये तो तीन लाइन भर जाएगी इन दो पॉइंट्स लिखने में, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शक्ति एवं कार्य में आप शॉर्ट में लिख सकते हो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बढ़ा भी सकते हो भले ही दो मार्क्स का क्यों ना। दो सॉलिड पॉइंट्स लिखिए या नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाइए, ये इसकी स्ट्रैटेजी। जैसे लिखा है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्ति एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है, तो हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति सामान्यता जो राज्यसभा है उसका वाइस, उसका जो चेयरमैन है उसका काम करता है जब राष्ट्रपति मौजूद रहता है, तो एक तो ये स्पेशल काम आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य करता है, इस अवधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। तो हमको पता है कि हम वाइस प्रेसिडेंट को चुनकर ही इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो तो ये उसके पद को मैक्सिमम 6 महीने तक भर सके ताकि नए राष्ट्रपति के आने तक पद खाली ना रहे। तो बस यही दोनों चीजें लिखनी है, या तो एक्सप्लेन कर लीजिए या तो नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंटेंट दिखना चाहिए। मैंने फिर कहा क्योंकि ये आप एक तरह से बुकिश पब्लिकेशन के तौर पर इसे देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बुलेट्स वगैरह दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप रियल टाइम आंसर राइटिंग करेंगे तो अगेन यहाँ पे डॉट्स के जगह पे 1-2 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, या फिर एरोज आएंगे, बुलेट्स का इस्तेमाल ना करें। दो मार्क्स का क्वेश्चन है, दो पॉइंट लिखिए, खत्म करिए, पर पॉइंट्स सॉलिड होने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का एक आपको मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति काल्पनिक प्रमुख है समझाएं। मतलब यह है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वर्चुअल हेड, ही इज अ नॉमिनल हेड और अ वर्चुअल हेड, एक्सप्लेन। तो देखो 4 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के लिए के साथ साथ गवर्नर के लिए भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल में राष्ट्रपति लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल एक काल्पनिक प्रमुख होता है राज्य का, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। और जहां एक्सप्लेन करने बोला है तो एक स्टेटमेंट दिया है उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपका आंसर पैराग्राफ में हो सकता है। ठीक, यहाँ पॉइंट्स की जरूरत थी, यहाँ पैराग्राफ की जरूरत है। और आप सभी जानते हैं कि क्यों हम राज्यपाल को और राष्ट्रपति को काल्पनिक प्रमुख कहते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली की भारत की इस प्रशासन व्यवस्था में इन लोगों का रोल केवल और केवल डी जूअर है। डी जूअर है का मतलब यह है कि वर्चुअल हेड कहलाते हैं ये लोग, इनके पास सत्ता की वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। सत्ता की वास्तविक शक्तियां डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इस वजह से इनके पास जितने भी कार्य और शक्तियां दी गई हैं वो किसी ना किसी की सलाह पर करते हैं। इनके पास बहुत ही कम या ना के बराबर डिस्क्रिशनरी पावर्स या विवेकाधीन शक्तियां होती है। तो बस उसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में, जैसे ये लिखा है, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना मैं ये चाह रही थी कि एक स्टेटमेंट है उसे समझाएं, ऐसा जब आता है तो आपका आंसर 2 या 4 मार्क्स में एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में हो सकता है। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में आया हुआ है, आपका एक 2 मार्क्स में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन हमेशा रेलेवेंट रहता है, जिन लोगों को थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा होने की वजह से नहीं दिख रहा है, मैं क्वेश्चन देख आपको पढ़कर बता देती हूँ। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया समझाएं, वेरी वेरी फेमस एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। आपको इम्पीचमेंट समझाने के लिए बोला है, अब भले ही यहाँ पे समझाने के लिए बोला है लेकिन आप सभी जानते हैं कि इम्पीचमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इम्पीचमेंट को भी पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। आपका जैसे सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया है। ठीक, उसके अलावा आप ये बताएंगे कि इम्पीचमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे कि उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को। उसके अलावा आप बताएंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या है, तो आप रीजन बताएंगे। फिर आप वो सारे पॉइंट्स जो महाभियोग के आपने पढ़े हैं कि कैसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, कैसे किसी भी सदन में वो आ सकता है महाभियोग का आरोप, कैसे किसी भी सदन में लाए जाने के लिए पहले 1/4 लोगों की सहमति चाहिए होती है, फिर दोनों सदनों में सेपरेटली इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, उसके अलावा ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, कम से कम 6-7 पॉइंट्स में तो पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंगली, मतलब 8 मार्क्स का है कि 10 मार्क्स का है, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर दो अगर 10 मार्क्स का है, एक्सप्लेनेशन कम कर दो 8 मार्क्स का है। लेकिन एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को आपको स्टार्टिंग टू एंड सब बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैडम ये तो 2 मार्क्स में आया था, आपको बताया मैं महाभियोग जो है ना 2 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आया है, तो उसमें कैसे करेंगे आप? इन सारे पॉइंट्स को समराइज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर लिखो। जैसे कि ये मैंने अभी 8 मार्क्स में बताया, 8 मार्क्स में लिखना आसान है क्योंकि हमारे पास कॉन्टेंट होता है, 6 से 7 पॉइंट ही है, 1 पॉइंट में आपने लिख दिया आर्टिकल, बाकी 6 से 7 पॉइंट लिखे, पूरे 8 मार्क्स का आपका आंसर बन गया। ठीक है, 10 मार्क्स का भी बन सकता है अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया। अब यही क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स में आएगा तो आप क्या लिखेंगे? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 में दी गई है, जो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, इसे लाए जाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए तथा पारित होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। आप एक बात समझ पा रहे हैं, इस पूरी लाइन में मैंने जो और तथा टाइप के कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया, मैंने कोशिश की वो 5 4 5 पॉइंट्स जो यूजुअली हम लिखते हैं अलग अलग पॉइंट बनाकर, उसको मैंने कंजाइन करने की कोशिश की। मतलब आप अगर 2 मार्क्स में 3 लाइनों में लिख रहे हैं तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 61 में मेंशन महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो और इसे इसे लाने के लिए 1/4 लोगों की सहमति चाहिए, दोनों सदनों में यदि ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया, पूर्ण सदन की 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। आपने मेन सारी बातें बता दी और इसके लिए आपने क्या किया, कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया। तो जब प्रक्रिया को शॉर्ट में पूछे 2 से 4 मार्क्स में तो आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप 8 और 10 मार्क्स में लिख रहे हैं तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर ये 8 मार्क्स का है तो फिर आप ये जो एक्स्ट्रा चीजें उसकी जगह इनको समराइज करके 6 पॉइंट लिखिए, 2 लाइन की स्टार्टिंग रहेगी और 6 पॉइंट्स रहेंगे आपके, कम से कम 2 लाइन की स्टार्टिंग, 6 पॉइंट्स, कुल मिला के आपकी 8 लाइन भरनी चाहिए, ठीक है? और अलग अलग पॉइंट्स लिखें, अगेन वही 1 2 3 करके लिखें, और जो जो मैंने बार बार दोहराए पॉइंट्स वो आने ही चाहिए। आधार क्या है, कितने लोगों की सहमति लाने के लिए चाहिए होती है, कितने दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, दोनों सदनों में कितना कितना बहुमत चाहिए होता है, ठीक है? आपके पास अगर वक्त और लाइनें बचती हैं तो महाअभियोग का कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है? जैसे कि हम जानते हैं ना कि महाअभियोग जो है वो उन पदों के लिए रहता है यूजुअली जिनको कार्यकाल की सुरक्षा है, तो अनुच्छेद 61 में मेंशन महाअभियोग जो है वो ऐसे पदों के लिए यूजुअली यूज होता है जिनको कार्यकाल की स्वतंत्रता है। भारत में शब्द का इस्तेमाल केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है, ठीक? इन चीजों को आप महत्व के साथ भी बता सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल जरूर मेंशन करें। मैंने देखा कई लोग पूरा लिख देते हैं लेकिन आर्टिकल मेंशन नहीं करते। महाअभियोग अनुच्छेद 61 में है, ये पहली लाइन में आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये एक एग्जांपल आपका क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन जो विधायिका का लिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष की विशेष शक्तियों का विवरण करें। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो होता है वो हमेशा से प्रिलिम्स हो चाहे मेंस हो वो इंपॉर्टेंट रहता है, खासतौर पर प्रिलिम्स का तो एक फेवरेट सेक्शन है आपका लोकसभा का स्पीकर। तो इसकी जो कार्य और शक्तियां हैं उसको लिखने के लिए आपका 4 मार्क्स से 8 मार्क्स, मैं 10 मार्क्स में एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, ये क्वेश्चन भी मैं 8 मार्क्स से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो आ सकता है। 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसकी जो एक्सक्लूसिव शक्तियां हैं आप वही बताएंगे। एक्सक्लूसिव शक्तियां मतलब जैसे इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है और दल बदल निषेध कानून पर अंतिम निर्णय लेता है। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पहचान है लोकसभा स्पीकर की शक्तियों की, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी ऊपर के पॉइंट ऐसे हैं कि कोई भी मीटिंग का अध्यक्ष होगा तो वे सारे काम करेगा ही, जैसे सदन की कार्यवाही संचालित करना, सदन में अनुशासन बना करके रखना, मीटिंग को बुलाना, मीटिंग को समाप्त करना, ठीक है, समितियों का गठन करना, ये नॉर्मल काम है। बट स्पेशल काम कौन से है, आखिरी के 4। क्यों बताया मैंने इसे, अगर आपको क्वेश्चन 8 या 10 मार्क्स का आता है तो आप पूरे लिखें, लेकिन क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स का आता है तो आखिरी के 4 पॉइंट्स में से आप लिखें अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। 2 मार्क्स का आता है इसमें से कोई 2 लिख दे, 4 मार्क्स का आता है तो ये 4 लिखें। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऊपर के पॉइंट्स ना लिखें जो सामान्य है, लोकसभा स्पीकर की जो विशेष शक्तियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, आपको प्रायोरिटी पे इनको रखना है, क्लियर है? ठीक है, ये आंसर भी पॉइंट वाइज होगा आपका।
अगला एक 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन जो पहले 2-3 बार रिपीट हुआ है छोटे से बड़े तक और हमेशा के लिए आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका विस्तृत विवरण दीजिए, क्वेश्चन की डिमांड ही है कि यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू इलस्ट्रेट, यू हैव टू डील इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस। लेकिन जब ये डिस्क्रिप्शन देने भी बोल रहा है तब आप कोशिश करें कि इस डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पैराग्राफ में ना कन्वर्ट करके सब हेडिंग्स में तोड़ दें। तो कोशिश करिए कि जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन को पढ़ाएं या लिखें तो आप इस तरह से पॉइंट्स बनाएं कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इलेक्टोरल कोटा होता है, इस तरह की कुछ बातें जो आपने इसमें पढ़ी हैं, कुछ फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं, ये आने जरूरी है। आप इनके डिस्क्रिप्शन को कम कर सकते हैं पर जो साइड हेडिंग्स होती हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, पहली साइड हेडिंग हो जाएगी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, दूसरा एक इलेक्टोरल कोटा यानी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि आपका जो निर्वाचन निर्वाचन मंडल है उसके जरिए होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है ये बताएंगे। अच्छा, शुरू की पहली लाइन में अनुच्छेद 55 का आपको जिक्र करना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 55 बताना है और इनके लिए जो निर्वाचन मंडल है वो आर्टिकल 54 में है। बिना आर्टिकलों के आप अपने आंसर को शुरू नहीं करेंगे, मतलब आपके पहली दूसरी लाइन में आर्टिकल आ जाना चाहिए आपके आंसर फ्रेमिंग में। उसके बाद फिर आप, मैंने कहा इनडायरेक्ट इलेक्शन पहला सब हेडिंग हो जाएगा, दूसरा निर्वाचन मंडल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, चौथा हो जाएगा एकल संक्रमण विधि, पांचवा हो जाएगा चुनावी कोटा। ऐसे 5 सब हेडिंग्स डालिए साइड साइड में 1, 2, 3, 4, 5 करके और उनको एक्सप्लेन करते जाइए। जब आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी 125 शब्द की ही लिमिट है तो यहाँ पर उतना जगह नहीं है, मैं यहाँ पर भी कुछ चेंज करके बताती हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ना इसको आप कम कर सकते हो। एकल संक्रमणीय विधि को आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो और अनुमातिक प्रतिनिधित्व के अंदर वो जो दो आप फॉर्मूले डालते हैं ना, एक विधायक का मत मूल्य, एक MLA की वोट वैल्यू और एक आपका सांसद का मत मूल्य, वो दोनों फॉर्मूला यहाँ डाल देना। ठीक है, कुछ चेंज करना है इसमें, ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसे लिखना चाहिए। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व को लिखें आप तो दोनों फॉर्मूले इसमें आ जाने चाहिए। एकल संक्रमण विधि जो है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, बाकी चुनावी कोटा और निष्कर्ष सही रह सकता है। ऐसे 5 सब हेडिंग डालिए, आराम से आपका 8 से 10 मार्क्स में आएगा। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर आप डिस्क्रिप्शन को कम कर दें, साइड हेडिंग्स को कम ना करें। What I said, descriptions को कम कर दें, साइड हेडिंग को कम ना करें। जितना पॉइंट, जितना पैराग्राफ चेंज, जितनी अंडरलाइन, जितने सब हेडिंग्स दिखते हैं उतना आपका आंसर कैची होता है। आप जाहिर सी बात है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अगर आपसे फिर आ गई जैसे 2-3 बार आई है तो कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं लिखेगा, हर कोई इसे लिखेगा। ठीक है, वहां पे ये मायने रखेगा कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो। आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दो, आप ऐसा करके ड्रॉ कर सकते हो फ्लो चार्ट। ठीक है, आपने ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया मान के चलिए, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप मान के चलिए सबसे पहले निर्वाचन कोटा आप बता रहे हैं, इसमें आपने कुछ कर लिया। ठीक है, मतलब आपका सॉरी निर्वाचन मंडल, फिर आपने यहाँ पे बता दिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व, या आप फ्लो चार्ट की जगह साइड में बॉक्स बना के फॉर्मूले डाल सकते हैं, जो तीनों फॉर्मूले हैं, 3 मेन फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वोट्स इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, 3 मेन फॉर्मूलाज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले जिसका इस्तेमाल होता है, आप तीनों को बॉक्स बनाकर साइड में डाल दीजिए। कुछ डायग्रामेटिक भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इनको कोशिश करें बहुत ज्यादा एक एक चीज में, तो ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए के चक्कर में ना आपका जो लिमिट ऑफ द लाइनें हैं वो खत्म हो जाएंगी और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे कोई चीज की। जब प्रक्रिया पूछी गई, मैंने आपको महाभियोग में भी बताया, आपको प्रक्रिया पूरी बतानी पड़ेगी। किसी एक पॉइंट पे अगर आप अटक गए, उसको ओवर डिस्क्राइब कर दिया तो आपके पास जगह खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले से इसको रफ में फ्रेम कर लेना कि मेरे ये मेन मेन पॉइंट्स हैं और इसके अंदर मेरे को लिखना है, भले ही सेंटेंस कंप्लीट ना हो पर पॉइंट्स सारे आने चाहिए। ठीक है, ओके तो ये 8 से 10 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है, हालांकि एक बार 4 मार्क्स में भी आया था। हाँ, आप सोचें कि 4 मार्क्स में आपको एक एक लाइन में करीब 4 से 5 सेंटेंस में बता देना है, पॉइंट्स ही रहेंगे, जो आपने सब हेडिंग बनाई ना उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो और 5 पॉइंट्स लिख दो तो वो 4 मार्क्स में हो जाता है।
ओके, एक और क्वेश्चन जो यूजुअली 8 से 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट किया जाता है वो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है उसकी फीचर्स क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो आप थोड़ा सा शुरू में डिस्क्राइब कर दो कि सबसे पहले जैसे यहाँ नहीं लिखा है, लिखा जाना चाहिए था कि आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। पार्डनिंग पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति न्यायिक प्रमुख भी होता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से ऊपर राष्ट्रपति के पास किसी मानवीय आधार पर किसी को क्षमा करने की शक्ति होती है। ये मिलिट्री कोर्ट मार्शल्स में भी क्षमादान दे सकता है और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ भी क्षमादान दे सकता है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे करके आप चाहें तो सीधा सीधा एक टेबल बना दें, कोशिश करें कि टेबल बनाए, नहीं बनता तो सब हेडिंग्स या पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। ये अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो या टेबल बनाओ, ठीक है। मतलब आप जानते हैं कि जब जैसे आपने क्षमादान की शक्ति का मतलब समझा दिया, आर्टिकल मेंशन कर दिया, महत्व बता दिया, ये शुरू के 2-3 लाइन के पैराग्राफ में आ जाएगा 10 मार्क्स में। उसके बाद आपको पता है कि मेन वो जानना चाह रहा है कौन कौन से क्षमादान आप जानते हो। तो 5 प्रकार के क्षमादान की 5 सब हेडिंग बना दीजिए या 5 पॉइंट बना दीजिए, ये टेबल ड्रॉ करके ये 5 पॉइंट्स उसमें फिल कर दीजिए और एक एक लाइन में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन में समझा करके उदाहरण दे दिया है वैसे आप उसे समझाएं। जैसे लघुकरण यानी कि आपका कम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को बदलना, क्योंकि कम्यूट का मतलब ही होता है एक्सचेंज करना, तो सजा की प्रकृति को बदलना इस लघुकरण। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है, अगर राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को कम्यूट कर रहा है तो वो उसके मृत्युदंड को आपके लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर देगा, बिकॉज यहाँ पे सजा की प्रकृति बदल रही है। तो इस तरह से आपने जो पढ़ा है उसे एक लाइन में कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट सारे इंक्लूड करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन शॉर्ट करते जाना। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो आपके पास अगर जगह की कमी है या क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ जाता है और आपके पास इंट्रोडक्शन तक लिखने की जगह नहीं है तो एक लाइन में लिख देना कि आर्टिकल 72 के तहत इसको क्षमादान की शक्ति है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और मिलिट्री के आदेशों के खिलाफ मानवीय आधार पर क्षमादान दे सकते हैं। एक लाइन में आपने लिख दिया और ये इस प्रकार के हैं करके आपने टेबल ड्रॉ कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी जो वर्ड्स फॉर्मेशन है वो छोटे हैं कि बड़े हैं, स्पेस आप कितना इकट्ठा करते हो या ऑक्यूपाई करते हो जब आप लिखते हो। कई लोगों की राइटिंग छोटी है, कई लोगों की राइटिंग बड़ी होती है, तो उस हिसाब से आप डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें इंक्लूड कर पाते हो। ये कंपल्सरी है, इंट्रोडक्शन छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ओके, आ जाते हैं हम अगला। विधायिका का एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक विवरण दें। काफी छोटा है इसलिए मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो यहाँ पर कंपैरिजन करने ही बोला है, तो हमने बचपन में जैसे स्कूलों में पढ़ा है ना कि जब हमको डिफरेंस करने बोले या कंपैरिजन करने बोले, तुलना करना बोले या विभेद करने बोले, तो हम एक बीच में टेबल के बीच में एक लाइन खींचते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं, वैसा हमको लिखना है। मैंने देखा है अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे भ्रम में रहते हैं कि मैडम हम ऐसा टेबल या डिफरेंस लाइन ना खींच करके पैराग्राफ में भी तो बता सकते हैं। कई बार यूपीएससी में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा बोला जाता है कि लाइन ना खींचें बीच से, न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखें, तो पीएससी में भी वैसा करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मैंने बोला हमको पीएससी में वैसे प्रेजेंटेशन देना है जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में लिखा करते थे। तो जब भी आपको दो चीज़ों को कंपेयर करने बोला जाता तो भाई कंपेरिजन लाइन खींच कर करते थे, वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक तरफ लोकसभा लिख दिया, एक तरफ राज्यसभा लिख दिया, चाहे तो साइड में ही इसके आप आर्टिकल लिख दें कि राज्यसभा जो है आपके कौन से आर्टिकल में, लोकसभा जो है आपका वो कौन से आर्टिकल में, ठीक है। ये 80 और ये 81, इस तरह से साइड में आर्टिकल लिख दिया और फिर शुरू हो गए। लोकसभा राज्यसभा के बीच में तुलना किसको नहीं पता? आपका अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट्स लिखें, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो कम से कम 8 पॉइंट्स लिखें। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने 8 मार्क्स में 8 पॉइंट्स लिख दिए, 10 मार्क्स में 10 पॉइंट लिखें, वैसे पॉइंट्स होने भी तो चाहिए। अब लोकसभा राज्यसभा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूजुअली आप 15 पॉइंट्स तक भी लिख सकते हैं,
तो अगर आपने 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गिरी सी गिरी हालत में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें इतने पॉइंट्स हैं तो आपको उसको निकालने पड़ेंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग का जो ये इंट्रोडक्शन है एकदम शॉर्ट रखना है। आप बिना इंट्रोडक्शन के भी लोकसभा राज्यसभा की दो साइड हेडिंग डाल करके स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको पूरा स्किप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कंटेंट इतना ज्यादा है कि मैं भी पूरा पूरा 10 पॉइंट्स लिख सकता हूँ डिफरेंस में 10 मार्क्स के लिए, तो आप वैसा कर सकते हो, सिर्फ टेबल ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, ठीक। कुछ चीजें अपडेट हो गई हैं, उनको देख लीजिएगा, अपने जो भी समीकरण बदले उसके हिसाब से। बाकी निम्न सदन, उच्च सदन, स्थाई सदन, अस्थाई सदन और जितने प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दोनों की संरचनाएं, दोनों के अध्यक्षों के नाम, कितनी चीजें, मैं यूजुअली अपनी क्लास में जब भी मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया है, मैंने हमेशा लोकसभा राज्यसभा को इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में ही पढ़ाया है। हम उसको अलग से नहीं पढ़े, हमेशा टेबुलर फॉर्म में पढ़े कंपेयर करते करते, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी या आपने कभी ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देखा है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा, यूजुअली ऐसे तुलना करने वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लाइन ड्रॉ करके लिखना है, ओके। उसके बाद अगले कुछ 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि न्यायपालिका के ऊपर आ सकते हैं। न्यायपालिका का जो बेसिक पार्ट है उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा, हाई कोर्ट से आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म से आएगा, PIL से आएगा और जुडिशियल रिव्यू से आएगा। हिंदी में कहूं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी संभावनाएं रहती हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है या अहर्ताएं हैं उनके बारे में पूछ सकता है। मैंने आपको हमेशा बोला कोई भी पद का क्वालिफिकेशन 2-4 मार्क्स का सबसे फेवरेट पार्ट होता है पूछने का। तो जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के जजेस की जो क्वालिफिकेशन है उसे पॉइंट्स में लिख दिया है। अब क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तब भी ये पूरा लिखना है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तब भी पूरा लिखना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन आप इनकम्प्लीट नहीं रख सकते। जैसे कोई प्रक्रिया इनकम्प्लीट नहीं रख सकते, उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 4 क्वालिफिकेशन है और आप कहेंगे मैम 2 मार्क्स में 2 ही क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो मिल जाएंगे क्या मार्क्स, नहीं। 2 मार्क्स में भी आपको अगर 4 क्वालिफिकेशन दी हुई है तो 4 लिखनी पड़ेंगी और 4 मार्क्स में भी 4 लिखनी पड़ेंगी, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप इनकम्प्लीट नहीं कर सकते। किसी चीज के फीचर्स पूछता है, जैसे संविधान की विशेषताएं बताइए, 2 मार्क्स का है तो 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 मार्क्स का है तो 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, वहां आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक। क्योंकि वो 2 भी है, 4 भी है, 10 भी है और 15 भी है विशेषताएं, लेकिन यहां ये जो है इनके बगैर कोई एक पद का अहर्ताएं कंप्लीट नहीं होंगी, इनमें से आप कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते। तो चाहे 2 का हो चाहे 5, जहां रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन में ही पूछा है कि सारी अहर्ताएं बताइए तो आपको सारी बतानी पड़ेंगी, वेदर इट बी 2 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जैसे आप जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक एडवोकेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 5 साल आपके हाई कोर्ट के एडवोकेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर 10 साल आपका हाई कोर्ट के वकालत की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाह रहा है वो राष्ट्रपति के संज्ञान में विधिवेत्ता हो, यानी ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इस तरह की कुछ बातें। और सबसे बेसिक चीज, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा जहां पर भी भारत के नागरिक होने की कंपल्शन लिखी गई है लोग सोचते हैं जन्म से, नहीं, जब वो उस पद के लिए खड़ा रहा है उस टाइम पर उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इस तरह से ये 4 क्वालिफिकेशन है, तो 2 का हो चाहे 4 को आपको लिखना होगा, सेम गोज विद दिस, ठीक है। ये हाई कोर्ट के लिए 3 क्वालिफिकेशन है, तीनों आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ही, वैसे भी क्षेत्राधिकार मतलब ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है
है ना, हम इसके अधीन ये पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या क्षेत्रों में उसके कार्य बटे हुए हैं, उसे हम इसके तहत पढ़ते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में यूजुअली हम ये 6 पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा आपका रिट रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन। चौथा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। पांचवा रिव्यू रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आई एक्सपेक्ट कि यहाँ बैठा मुझे सुन रहा, मुझे देख रहा हर व्यक्ति इन चीजों को पढ़ा होगा। बहुत बेसिक चीज है, कंसेप्चुअल चीज नहीं है, प्योर थ्योरी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो भाई क्वेश्चन ये 4 या 8 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें आपको अगर संभव हो सके तो आर्टिकलों के साथ साथ एक एक लाइन में इनको समझा देना है कि भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो है जहां पर याचिका किसी बिना अपील के सीधे यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस सीधी या डायरेक्ट याचिका पर सुनवाई करती है। ठीक इसके तहत राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वो आते हैं, अंतरराज्य विवाद की याचिकाएं आती हैं और केंद्र राज्य विवाद की याचिकाएं आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लगती हैं। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में किसी निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति अपील के जरिए ऊपरी अदालत में आता है और जब कोर्ट उस पर सुनवाई करता है तो हम उसे कहते हैं अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देता है। इस तरह से ये 6 को आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक अगेन आप पूछेंगे कि मैडम अगर ये 4 मार्क्स का आया तो इसमें 6 की जगह 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं, तो कोशिश करिए 4 मार्क्स का भी आया तो भी आप पूरे 6 पॉइंट्स लिखें भले एक्सप्लेनेशन ना करें। और ये 8 मार्क्स का आया तो एक्सप्लेनेशन के एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ 6 पॉइंट्स लिखे। पर पॉइंट्स मैं एक चीज जो हर क्वेश्चन के साथ आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके आंसर में वैरायटी ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भले ही कम हो। आई रिपीट, वैरायटी ज्यादा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भले ही कम हो। सेंटेंसेस कई बार लोग पूरे भी नहीं लिखते तब भी उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत आई कैचिंग होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितना कैची, जितना अंडरलाइन, कितना जितना आपका सब हेडिंग, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं पढ़ा नहीं जाता, बट यस वो पढ़ा भी जाता तो मेन मेन हेडिंग्स को ज्यादा देखा जाता है। ठीक है ना, तो 4 मार्क्स का हो चाहे 8 मार्क्स का, आपको पूरे 6 के 6 जो है ये लिखने पड़ेंगे। ओके अगला क्वेश्चन क्या था आपका, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का उत्पाद है समझाएं। भाई इसको इंग्लिश में पहले मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट PIL इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। PIL इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्सप्लेन। तो ये कौन से टॉपिक्स हैं, वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जुड़े हुए हैं ना आपके मेंस में, एक्टिविज्म, PIL और रिव्यू, वहां से है। अव्वल तो इन तीनों को डिफरेंटली पूछ सकता है, न्याय सक्रियता क्या है इसका महत्व समझाइए, न्यायिक सक्रियता क्या है इसकी आलोचना करिए, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसका क्षेत्र बताइए, इसका महत्व बताइए, इसके प्रकार बताइए, इस तरह के क्वेश्चन, जनहित याचिका को समझाइए। ऐसे तीनों सेपरेटली आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी, 8 मार्क्स में भी, 10 मार्क्स में भी, सबसे पहली बात तो ठीक है। उसके अलावा को रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये कि न्यायिक सक्रियता जो है उसका उत्पाद होता है जनहित याचिका, तो आपको ना पहले ये समझाना होगा कि भाई न्यायिक सक्रियता क्या है और जनहित याचिका क्या है, फिर आपको इन दोनों को रिलेट कर देना होगा। तो आप जैसे कि मान के चलिए न्यायिक सक्रियता समझाते हैं, तो आप बताएंगे कि न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म एक नोवेल कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो भारत में अमेरिका के प्रभाव से देखने को मिलता है। न्यायिक सक्रियता कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जिसका संविधान में कहीं उल्लेख है, हम जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। ठीक 1947 में आर्थर शेल्सिंगर जो है वो इसके जनक माने जाते हैं और 1970 के दशक में भारत से इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये जजेस हैं जिनको ये भारत में इसका इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। इसका अर्थ जो है वो एक लाइन में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ये डेफिनेशन एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का सक्रिय होकर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने को कहा जाता है।
जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब व्हेन जुडिशियरी इंटरफियर्स इन द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक, इसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। पर इंटरफेरेंस पॉजिटिव होता है जब जुडिशियरी एक्टिव ना हो करके, ठीक है, या मैं कहूँ रिएक्टिव ना हो करके एक्टिव हो जाती है। बोलते हैं ना हम कानून अंधा है, मैंने इस यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो इसीलिए डाली है। हम कहते हैं ना कि कानून अंधा है, मतलब अगर आप जब तक कि कुछ क्राइम के लिए उसका दरवाजा ना खटखटाओ वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। मतलब उसके सामने, कानून की नजरों के सामने भी कुछ गलत घट रहा हो तो कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप याचिका ना लगाओ, ठीक है। न्यायिक सक्रियता इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदलता है, इसलिए मैंने एक आंख खुली रखी भी, कानून अंधा नहीं काना है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा है, थोड़ी सी न्यायिक सक्रियता उसको कहता है कि आप थोड़ा बहुत खुद से भी देखो कहाँ क्या गलत हो रहा है। न्यायपालिका सक्रिय होकर ये देख रही है कि विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, तो उसका खुद से संज्ञान लेकर भी वो काम करती है। तो न्यायिक सक्रियता मतलब विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में खुद से हस्तक्षेप कर रही है, कोई उसके पास नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी कि न्यायिक संयम के विपरीत ये कॉन्सेप्ट है, जहां बोला जाता है न्यायपालिका को अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए संयम बनाकर रखना चाहिए, उनको विधायिका कार्यपालिका से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे न्यायपालिका थोड़ा सा नोजी हो रही है कि विधायिका क्या कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनके ऊपर थोड़ा सा लगाम कसने की कोशिश करती है। ये न्यायिक सक्रियता है। जुडिशियरी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव नाउअडेज़, ठीक है, वो जो पहले रिएक्टिव होती थी अब वो प्रोएक्टिव हो चुकी है, इसी को आप न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना है, इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप बताएंगे, ठीक। और ये जो जनहित याचिका है ये न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, यहां से ये लिंक करना है आपको जो आपके क्वेश्चन में दिया है। जनहित याचिका में भी यूजुअली क्या होता है आप जानते हैं, जनहित याचिका मतलब एक ऐसी याचिका जो व्यक्ति अपने हित को ना लेकर के किसी लोक हित के कारण लगाता है। लोक हित में लगाई गई याचिका जनहित याचिका होती है, जहां पे विक्टिम खुद याचिका नहीं लगाता, किसी विक्टिम के बिहाफ पर या ग्रुप ऑफ विक्टिम्स के बिहाफ पर कोई और याचिका लगाता है। ऐसी याचिका जिसके फैसले से कई लोगों को इसका लाभ पहुंचे, ऐसी जनहित याचिका कहा जाता है, ठीक है। 1970 के दशक में इसकी भी शुरुआत हुई थी, जस्टिस पी एन भगवती, हम सभी जानते हैं, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। तो यहां पर क्या है, आपको एक चीज मैं खास बता दूं जनहित याचिका के बारे में, जैसे जनहित याचिका की भी मैंने यहाँ स्लाइड दे रखी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी पीआईएल की स्लाइड। इसे बहुत सारे दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, अभी हमको उस क्वेश्चन के लिहाज से बताना है, इसलिए मैं जनहित याचिका एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। मैं बस ये बता रही हूं कि जनहित याचिका जुडिशियल एक्टिविज्म का उत्पाद कैसे है। जनहित याचिका लगाने के कई तरीके होते हैं। पहला, आप किसी लॉयर के माध्यम से याचिका लगा सकते हैं। दूसरा, आप लेटर लिख करके, डायरेक्ट न्यायपालिका को लेटर लिख करके भी याचिका लगा सकते हैं, अगर आप अपनी जो अपीयरेंस है उसको हाइड करके रखना चाहते हैं। और तीसरा, बाय द कॉग्निशन ऑफ कोर्ट, जनहित याचिका न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेकर भी लगा सकती है। यदि किसी न्यायाधीश के सामने कोई सर्कुलर, मैगजीन, रिपोर्ट, सर्वे ऐसा आया जिसमें उसको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, पर उस तक के किसी ने याचिका नहीं लगाया, तो उस मैगजीन, सर्कुलर, रिपोर्ट, सर्वे के आधार पर न्यायपालिका खुद याचिका लगा लेगी। इसको हम कहेंगे सेल्फ कॉग्निशन। तो यहाँ पर न्यायपालिका एक्टिव हो रही है, यानी न्यायिक सक्रियता दिखा रही है, और इसकी वजह से वो क्या कर रही है, वो खुद से याचिका दायर करके जो भी पीड़ित है उनको न्याय देने की कोशिश कर रही है। तो ये जो जनहित याचिका है जिससे कुछ लोगों को न्याय मिलेगा, यहाँ न्यायपालिका सक्रिय होकर खुद ही ये काम कर रही है, इसलिए मैंने कहा जनहित याचिका न्याय सक्रियता का उत्पाद है। न्यायिक सक्रियता हुई, न्यायपालिका ने खुद देखना शुरू किया कहाँ क्या गलत हो रहा है, तो वहीं से जनहित याचिका का भी जो काम करना है वो इजी बना। जनहित याचिका तब लग पाई जब न्यायपालिका ने खुद देखा कि लोगों के लिए अहित करने वाली कौन कौन सी चीजें हो रही है, चलो हम उसका संज्ञान लेते हैं, खुद से आगे केस को बढ़ाते हैं और वहां पर लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो न्यायिक सक्रियता हुई, जो जुडिशियरी वो थोड़ी एक्टिव हुई करके पीआईएल को एक्सेप्टेंस भी मिली और पीआईएल को दायर करना और उस पर कार्रवाई होना आसान हो सका, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं पीआईएल जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। इस तरह के इंटररिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिंपल पीआईएल को एक्सप्लेन करने भी आ सकता है,
ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताना है, पीआईएल का मतलब समझाना है, पीआईएल का आपने हुसैन अरा खातून वाला जो केस सुना होगा स्टार्टिंग में वो आपको समझाना है। ऐसा भी आ सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म सेपरेटली आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू सेपरेटली आ सकता है और कोरिलेट करके भी आ सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यायिक सक्रियता, जहां वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में हस्तक्षेप कर रही है, इसकी अच्छी बातें भी हैं और जाहिर सी बात है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका का जो एक स्वतंत्र वाला नेचर था वो कहीं ना कहीं इसमें धूमिल हो रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ऐसे कई सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं जो कि न्यायिक सक्रियता के हमको देखने को मिलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लें। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये चीजें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी इन दीज थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। मैं फिर दोहरा दूं, पिछले 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से इसमें एग्जीक्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। कल की जो क्लास होगी वो मेरी आखिरी क्लास होगी, जिसमें मैं बचे हुए सारे टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन या टॉपिक्स लेकर, क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच। Thank you.